आई थिंक ये जो पोजीशन, ये परफेक्ट पोजीशन है, थोड़ा सा घूम के देखते हैं, एंजॉय करते हैं पहले जगह का, और ग्रीनरी जगह पे चलते हैं जहाँ पे थोड़ा गंभीर हो। तो राइट साइड में आपका है चमटी प्लेग्राउंड, जहाँ पे आज शायद किसी कंपनी का क्रिकेट मैच हो रहा होगा, और यहाँ पे अक्सर मैच होते रहते हैं। हे हाय, व्हाट्स अप गाइस, मैं संदीप और आप सभी का स्वागत है टेक आर के सेलर वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी खास है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपनी व्लॉग की पूरी सेटअप की डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करने। और सुबह का समय है, तो यार चाय तो बनता ही है। क्या चाय बनाई मैंने। चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप तो फुटेज देखिए जो एच डी कैम से मैंने शूट करा है। सो यदि आपके पास हाफ हेलमेट है और आप वीडियो, मतलब आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं, आपके पास सिर्फ हाफ हेलमेट है और आपके पास एक्शन कैमरा है, तो आप किस तरह से शूट करेंगे, अपने कैमरे को कहाँ पे फिट करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन है मेरे पास, और काफ़ी सस्ता सॉल्यूशन है, जिससे आप अपनी मोटो व्लॉगिंग को हाफ हेलमेट के साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से। सबसे पहले तो आप फुटेज देखिए, फुटेज देखने के बाद आपको पता चलेगा, एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद एंगल की बात करते हैं कि जो गलती हम करते हैं एंगल, मतलब सेट करने पे हमें कितना चीज़ मतलब दिखना चाहिए उस कैमरे में, छोटे वाले कैमरे में, तो सामने का व्यू कैसा आएगा, ये सारी चीज़ पर आज हम बात करने वाले हैं। तो देखो यार, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यार आप वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, बहुत अच्छा लगता है, कमेंट भी करते हो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, यहाँ पर रेड का बटन होगा, जल्दी जल्दी इसको प्रेस कर दो। प्रेस करने के बाद अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ इसको शेयर करना, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ही शेयर करो। जो वीडियो अच्छा लगे उसको साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, बताओ कि हम हाफ हेलमेट के साथ भी व्लॉगिंग कर सकते हैं, और माइक कौन सा होना चाहिए, कैमरा कैसा होना चाहिए, कैमरे की क्वालिटी कैसी है, कितना बजट है आपके पास, तो आप अपनी पूरी एक व्लॉग की मतलब सेटिंग कर सकते हो। तो चलिए अब अगला वीडियो, पहले फुटेज देख लो, उसके बाद आपको हम सेटअप दिखाते हैं कि किस तरह का सेटअप मैंने कर रखा था, कितना खर्चा आया इसमें, सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो है वेलकम एवरीबॉडी, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का स्वागत है टेक हार के इस वीडियो में, और ये है मेरा फर्स्ट एवर ब्लॉग। सो जो प्लान है वो है एचएमटी गार्डन, एचएमटी स्टेडियम के पास से मैं गुजरूंगा, और ये इलाका पूरा एचएमटी का है। सो देखते हैं, पहले तो इसकी क्वालिटी कैसी आती है यार, मुझे नहीं पता साउंड की क्वालिटी कैसी आ रही है, वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है, बट मैं अपनी वीडियो तो देख सकता हूँ यहाँ से। तो अब बात कर लेते हैं फाइनली सेटअप की अपने इस हाफ हेलमेट के लिए। तो ये है वो हाफ हेलमेट, ये जो साइड है, जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड में मैंने माइक को लगाया था, माइक आपको दिख रहा होगा शायद, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से ये माइक यहाँ पे है, ठीक है, और ये है उसका इनपुट जो कि जाता है कैमरे में। ये है वो छोटा सा माउंट जिसके बारे में बात कर रहा था, जो कि मार्केट में आपको मैक्स टू मैक्स 350 रुपये का मिल जाएगा। एक्चुअली यहाँ भी मेरा माउंट था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने माउंट लगा के रखा था, लेकिन ये जो माउंट है, ये माउंट बहुत ही ऑड माउंट है, मतलब इसमें जब भी हम कैमरे को लगाते हैं ना, तो हमको पता नहीं चल पाता है कि हमारा जो वीडियो है वो कैसा रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा है। कभी हमने गलती से पॉज कर दिया तो वो पॉज ही रह जाता है, कभी प्ले किया तो प्ले ही होते रह जाता है, मतलब वो पूरी बैटरी ड्रेन हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, पूरा मेमोरी ख़त्म हो जाएगा। तो एक्शन कैमरे का क्या है, जब हमें जो स्पॉट अच्छा लगता है उतने दूर का हम अपना
रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर उसको ऑफ कर लेते हैं, फिर कहीं अच्छा सिनेमेटिक व्यू आया तो उस व्यू को कैप्चर करते हैं एक्शन कैमरे के साथ। तो इससे मैं हब लगाया था और मेरा कैमरा ये है, मेरा कैमरा फेस ट्रैक ऑन, ये है एस जे कैम का लीजेंड 6। ये दिखा दूं मैं आपको, तो ये है एस जे कैम का लीजेंड 6 जिसमें यहाँ पे भी छोटा सा डिस्प्ले है जिससे पता चलता है कि हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो चल रही है, क्योंकि यहाँ पे मतलब आपको ऑन करके दिखाई देता हूँ। ये अभी मैं इसे ऑन करूँगा तो ये आपको दिख जाएगा। तो ये जो वाइट वाला डॉट दिख रहा है ना यहाँ पे, वाइट डॉट, उससे पता चल जाता है, वो ब्लिंक करना शुरू कर देता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है। यदि मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दूँगा तो यहाँ पे ये वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा, और यस जैसे ही ये ब्लिंक होगा और यहाँ पे टाइम शुरू हो जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि हमारी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो रही है। जो ऑडियो क्वालिटी है इसके माइक की वो उतनी अच्छी नहीं है, और यदि आप GoPro वगैरह टाइप के कोई एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ जो कोई सा भी माइक यूज़ करते हो उसकी साउंड बहुत अच्छी आती है। और इन सब के साथ प्रॉब्लम यही है कि आप या तो फुल माउंट हेलमेट यूज़ करो, हाफ माउंट हेलमेट में आपने देख लिया साउंड की क्वालिटी कैसी आई है, तो मैं तो अभी इसे यूज़ नहीं करूँगा हाफ हेलमेट के साथ, क्योंकि हाफ हेलमेट का जो सेटअप है ना वो वाकई में बहुत अच्छा है। आपके छोटे मोटे यदि आप राइड करते हो, मान लो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर राइड कर रहे हो या कहीं पास में गए किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, तो वहाँ के लिए हाफ हेलमेट सही है। बट सिक्योरिटी के पर्पज़ से, मतलब सेफ्टी के पर्पज़ से आपका जो हेलमेट होना चाहिए, फुल हेलमेट होना चाहिए, वो आपके पूरे फेस को और आपकी लाइफ को भी प्रोटेक्ट करता है। हम बात कर लेते हैं इस छोटे से कनेक्टर की। तो इसे मैं पहन के रखा था, इसे खोल देता हूँ, बहुत गर्मी है तो इसे मैं अभी निकाल के आपको दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसा है। ये बहुत टाइट, इसे खोलने के लिए दोनों हाथ का यूज़ करना पड़ता है। अब मैं इसे इधर यूज़ रख देता हूँ। सो ये है वो माउंट, इसके साथ हमें सिर्फ ये वाला क्लिप मिलता है। मैं इसे खोल के भी दिखा देता हूँ। तो ये है आपका माउंट, यदि मैं इसे दिखाऊं ऐसे करके तो आपको दिख रहा होगा इसका जो टिथ है, बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, काफ़ी हार्ड है, और हार्ड है तो अच्छा है। और इसके साथ ऐसा एक स्क्रू आ जाता है, स्क्रू ड्राइवर, जिससे इसको कस सकते हैं। तो यही है वो छोटा सा माउंट जिससे आप अपने बैग में लगा सकते हैं, यदि आप बेल्ट लगाए हैं तो बेल्ट में भी आप इसे लगा सकते हैं। और इसकी खासियत यह है कि ये ऐसे रोटेट हो जाता है, यानी कि आप यदि बेल्ट लगाए हुए हो ऐसे करके तो आप इसको ऐसे करके माउंट मतलब खोल सकते हो, तो ये इस तरह से आपके कैमरे के साथ लगा रहेगा। तो ये था सारा डिटेल वीडियो, कैसे शूट मतलब कैसे अपना सेटअप करें पूरा व्लॉगिंग का। आपको यदि व्लॉग करना है, आप व्लॉग करने के अभी सोच रहे थे, आप अभी तक व्लॉग नहीं किए थे, आप करने वाले हो, तो ये वीडियो देखने के बाद तो आपका सारा जो शंका था, जो सारा डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। और हम अब नेक्स्ट वीडियो में डीजे उसमें पॉकेट के साथ मोटो व्लॉगिंग करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना, स्टे ट्यून। और कल या परसों ये वीडियो आ जाएगा आपके साथ। सो अभी के लिए बस इतना ही, हम आपसे लेते हैं विदा, आपको करते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।